मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ब्रिज के नीचे दुकान निर्माण को लेकर स्थायी दुकानदारों ने नगर पालिका निगम के ऊपर नाराजगी जताई है। दुकानदारों का कहना है कि शहर में मेडिकल कॉलेज के सामने ओवर ब्रिज के नीचे नगर निगम द्वारा दुकान निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ब्रिज के पीछे हमारी दुकानें बनी हुई है। ब्रिज बनने के चलते हमारा पूरा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है और निगम वहां पर ब्रिज के नीचे नई दुकानों का निर्माण करवा रही है, जिसका विरोध पहले से व्यवसाय कर रहे दुकानदार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 5 दादा धुनी वाले कॉम्प्लेक्स मंदिर के सामने 30 साल से पुरानी दुकानें हैं। वैसे ही कोरोना काल के चलते हुए ओवर ब्रिज के बनते हुए सब दुकानदारों का धंधा ठप हो चुका है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने ओवर ब्रिज बनाई तो ठीक है, मेडिकल कॉलेज बनाई तो ठीक है, उसके बाद यहाँ 40 से 50-60 दुकानें बन रही हैं। उसके बाद हमें नगर निगम आयुक्त सर से रिक्वेस्ट करे जाके कि सर यहाँ दुकान नहीं बनाई जाए, हमारी दुकान पीछे ढक जाएगी, 30 साल पुरानी दुकान है। तो वो बोले 8 करोड़ रुपये नगर निगम को कर्जा देना है, जमा करना है, आप लोग दे सकते हो तो दे दो, हम दुकान नहीं बनाएंगे। कोरोना काल में हम घर नहीं चला पा रहे हैं तो 8 करोड़ रुपये कहाँ से ला के देंगे। नगर निगम प्रशासन उनका हम लोग से पैसे मांग रही है। नगर निगम प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे अगर दुकान बन रही है तो सामने दुकानदारों की व्यवस्था की जाए कि उनकी रोजी रोटी चले, परिवार चले ना, बच्चे पले, और नहीं तो नगर निगम प्रशासन यहाँ पे सामने जितनी दुकानें हैं सबके परिवार की जवाबदारी पालने की जिम्मेदारी लेगी तो हम यहाँ दुकान बनाने देंगे, वरना हम यहाँ दुकान नहीं बनाएंगे। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।